ठीक है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक साल के बाद सबसे पहले एक चीज है आप सबको सीखना पड़ेगा और बच्चों को सीखना पड़ेगा, आपके विद्यालय में लाइन लग जाएगी एडमिशन, जो बच्चे कॉन्वेंट जा रहे हैं ना वो नहीं जाएंगे, ये इतना अच्छा सिस्टम कहीं नहीं है। वो खाली लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं, जब बच्चे को उनके माता पिता को इसके फायदे पता चलेंगे, माता पिता अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर पाएंगे, माता पिता अपने बच्चों को देख पाएंगे वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा कि इस तरीके की चीजों से पढ़ाई हो रही है, इस तरीके की चीजों से मैं और जानकारी ले सकता हूँ, तो उनको भी मजा आएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा मॉनिटरिंग करने में। जैसे विद्यालय है, विद्यालय सभी शिक्षकों की मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। अब शिक्षक क्या है, बच्चों के मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब चीजें करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी के फोन में LMS ऐप है क्या, है? कितने लोगों के पास है, हाथ ऊपर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार ऐसी जगह आया हूं जहां पर इतने लोगों के फोन में LMS ऐप है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। तो आप लोगों को के पास आपका LMS का ID पासवर्ड भी होगा जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तो आपने खोलकर LMS में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जहां तक आप लोगों के पास अगर LMS है तो आपने खोल के बहुत सारी चीजें देखी होंगी और समझने की कोशिश भी की होगी, ठीक है। तो अब जिनके पास LMS ऐप नहीं है तो वो डाउनलोड कर लें, वो डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के वो LMS ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जो और विद्यालय के लोग भी यहाँ आए हुए हैं तो आप सबके लिए बताना चाहूंगा, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां जाकर के LMS ऐप डाउनलोड कर लें, विद्या भारती LMS ऐप, वहां लिख करके आएगा ऑफिशियल ई लर्निंग ऐप, तो वो आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड कर लें और आप सभी अपना अपना फोन बाहर निकाल लें, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, और जिसके पास स्मार्टफोन अभी उपलब्ध नहीं है वो आप सभी लोग अपना एक पेन और पेपर लेकर के बैठे, पेन पेपर आप सभी लेके बैठे, बट जिसके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन भी निकाल लें और जिसके पास पेन पेपर है तो पेन पेपर पे नोट करते जाएं।